सनी देओल की गदर 2 मूवी रिलीज हो चुकी है और इसको भी लोगों से अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं। गदर फिल्म के बाद इसके सेकंड पार्ट को बनाने में काफी लंबा समय लग गया, लेकिन जिस तरह से इसके सेकंड पार्ट को लोगों से रिस्पांस मिल रहा है उसे तो देखने के बाद लग रहा है कि फिल्म का थर्ड पार्ट हमें जल्दी देखने को मिल सकता है, क्योंकि गदर 2 फिल्म की स्टोरी को आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। गदर 2 में कई ऐसी चीजें हैं जिसमें नेक्स्ट पार्ट पर भी काम शुरू किया जा सकता है, और अगर गदर 2 से अच्छे रिस्पांस मिलते हैं तो हो सकता है कि गदर 3 के लिए हमें इसके सेकंड पार्ट जितना इंतजार न करना पड़े। पर ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि मेकर्स ने इसके थर्ड पार्ट के लिए क्या सोच रखा है, और अगर आने वाले समय में इसके सेकंड पार्ट को अच्छे रिव्यू मिलते हैं तो इसका थर्ड पार्ट बनना तय है। पर अगर इसका थर्ड पार्ट बनता भी है तो इसमें फिल्म की स्टोरी ज्यादातर सनी देओल के बेटे चीते पर फोकस होगी, क्योंकि उस समय दारा सिंह बूढ़े हो चुके होंगे और अभी इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी फिल्म रिलीज हुई है और इसके रिलीजिंग के पहले भी लोगों से इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बनी हुई थी और अभी भी वैसी ही एक्साइटमेंट बनी हुई है, जिसको देखकर लग रहा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करेगी। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेकर्स इसके थर्ड पार्ट पर भी जल्द ही काम शुरू कर देंगे। और बात करें गदर 3 की कास्टिंग की तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मेकर्स अगर इसके थर्ड पार्ट पर काम शुरू करते हैं तो हमें सनी देओल देखने को मिलेंगे ही, और इनके साथ उत्कर्ष शर्मा जो इनके बेटे का रोल निभा रहे हैं वो भी देखने को मिलेंगे। बाकी की कास्टिंग के लिए हमें भी इंतजार करना पड़ेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। गुड बाय।